नमस्कार भैया जी। नमस्कार। हाँ नंद कुमार बोल रहा हूँ। लखनऊ मिले थे। अच्छा अच्छा हाँ 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 बोलिए बोलिए सर बोलिए यार। नंद कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी 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 हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इन्होंने तो अपना धांधली कर दिया है। वो क्या नाम है अरे मदन लाल ने कोर कमेटी की मीटिंग बैठी थी। 5-10 मिनट टाइम लूंगा आपसे। कोर कमेटी की मीटिंग बैठी थी 25 तारीख में संडे के दिन। मैंने उसमें पूछा कि अच्छा ये बताइए 27 तारीख की जो हमारी मीटिंग है वो कोट गांव में तो उनकी सहायता के लिए क्या अपने पास क्या फंड है जिससे तुम लोग को दे दिया जाए किसी सहायता मिले। जो हमारे पीड़ित परिवार ही तो देते हैं चंदा और चंदा इसी बात से देते हैं है? चंदा इसी बात से देते हैं कि कहीं आपातकालीन स्थिति हो या कुछ भी हो तो वहाँ सहयोग किया जाए 10-20 हजार का। इसमें वो लोग पूछ रहे हैं कि हाँ धरना प्रदर्शन जारी और थोड़ा आगे रहे है। उन लोग को मनोबल बढ़ता रहे। मीना बाबू गलत बोले तो बताइए। नहीं सही बात बोली है सर और क्या जेनुइन बात है। उसने तो बोलते कि आप हिसाब लेने वाला कहो हम यही कितने महासचिव बनाया क्यों मेरे को। महासचिव का वो होता है कि जो कुछ आपातकालीन स्थिति में कहीं प्रोग्राम होती कहीं मीटिंग हो या कुछ भी हो तो थोड़ा सा देख के उससे हिस्सा लेना भाग लेना या सहायता करना हमारा भी फर्ज बनता है। अच्छा आप तो यूनियन के महासचिव हो। हाँ 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 ओके 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 समझ गया। हाँ यूनियन के महासचिव। हाँ हाँ है तो इसके माध्यम से एसपी से मैं बोल रहा हूँ। हाँ 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 तो उन्होंने जो है मेरे को तो एकदम भाई साफ कर दिए तो बिजनेस बना लिए हैं सब है। अब पुंजाई रास्ता मेरे को ऐसा बताइए कि इन लोग को मैं बाजार से समझ लेना दूंगा किसी कीमत में है ना। ये अकाउंट खोल रहे हैं सब क्या हमारे अध्यक्ष और जो है किसी कोषाध्यक्ष और उसके नाम 3 आदमी के नाम से एक वो खुलना चाहिए। क्या नाम है अध्यक्ष तो हो गया रविंदर चौहान। चौहान कोषाध्यक्ष हो गया वो आजाद शेखावत। आजाद शेखावत अपनी बीबी को वो बना दिए संरक्षक। माने तीनों माने ये क्या तीनों अपने घर के ही सदस्य बन जाओगे क्या मेन मेन। और वो मदन लाल भी होगा इन्हीं में। मदन लाल संयोजक सारा सारा कुछ तुम ही ले लोगे घर में ही रख लोगे। हिसाब करने के बाद कोई आना कानी करे तो हम साइड हो जाएंगे। तो सर एक वो अपने शर्मा जी हो रहे हैं आपके यूनियन के। शर्मा जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कल उनका मेरे पास फोन आया था वो मेरे को बोल रहे थे कि सर ये मदन लाल तो आप सच कहते थे ये तो यूनियन के नाम पे धांधली कर रहे हैं लोगों से पैसे ले रहे हैं और हम लोग अब विरोध करेंगे इसका और ये सब चलने नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर आप देखो ये आपका यूनियन का मामला है आप मेरे को साथ बताइए कैसे क्या करें। FIR टिका दो सर आप बोलो मैं आप गवाह बन जाओ मैं FIR टिकवाता हूँ कल के कल और इसको तो उठवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है मैं गवाह बन जाऊंगा बिल्कुल गवाह बनूंगा बोलिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ भारत देश के लिए। तो शर्मा जी से बात करो आप सर और उनको भी बोलो अगर वो गवाही देने के लिए तैयार है तो। वो भी आप खड़े कर रहे हैं कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ इस साले लूटे पीछे और लूट रहे हैं भगवान इनको माफ नहीं करेगा। अरे लूटे पीछे जो लूट रहे इसका मतलब क्या है कि लूटे पीछे और लुटवा दो भगवान माफ नहीं करेगा भगवान के ऊपर छोड़ दूंगे। आपको ध्यान है आप मेरे को जब वहाँ मिले थे आप जब मेरे को लखनऊ ईडी ऑफिस में मिले थे रात के टाइम अपनी बात हुई थी जब मैं बाहर निकला था वहाँ से तो उस टाइम मैंने कहा नहीं था कि आपका मदन लाल चाहे आप इसे कुछ भी बोलो मैं इसको दो कौड़ी का आदमी भी नहीं समझता हूँ। इतना मतलब जिस तरह से अब तक मैंने इसको रीड किया है ये बहुत दुनिया टाइप का आदमी है। हिसाब लेने के बाद पता चला ना 10 लाख रुपया भाई साहब 10-15 लाख रुपए इसके जमा इकट्ठा कर दिया इसने। मैंने बोला कि भाई को पुलिस में तो आज 50,000 का दे भाई जो आज 27 तारीख को धरना में चल के देंगे थोड़ा सीना चौड़ा हो जाएगा कि चलो बाइक बोट के इंडियन के तरफ से 50,000 या 1 लाख रुपया मिला एक हाथ ही खड़ा कर दिया एकदम तो है ही नहीं मेरे पास। 15-20 लाख रुपए आपकी यूनियन के अकाउंट में है
अकाउंट से नहीं, उन्होंने नगद पैसे जमा कर दिए सबसे, दो दो सौ पाँच पाँच सौ रुपए, सौ रुपए, हजार रुपए दे रहा है सर। कर लिए होंगे सर, वो लेता है लोगों से पैसे लेता है, मेरे को कई लोग फोन करके कंप्लेंट कर चुके इस चीज की। लगातार ये जो है तो की क्या बात है, पुलिस वाले को बोलता भी हजार दो हजार रुपए मार देता है, उसी आवाज दिखाने किसी हवलदार या सब इंस्पेक्टर को देता होगा, इसको तो से कंप्लेंट हो जाए। सर ये मैं आपसे पहले ही कहता था, मैं सब लोगों से ही कहता था कि ये फ्रॉड आदमी है, पर नेताजी को तो हम तो ये फ्रॉड बंद करने के लिए मैं दवा बनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी साथ दो बस। मेरा तो चलो सर दे दिया साथ, मैं तो दे दूंगा साथ, मेरे क्या है ये तो, इसके खिलाफ आपको फिर कंप्लेंट कहाँ कराओगे? गांधी में पटेल नगर में चलने नहीं दूंगा, कल जाके बवाल करूंगा मैं वहाँ पे। नहीं नहीं आप ऐसे बवाल मत कीजिए सर, कोई मतलब नहीं है, अगर ये गलत कर रहा है लोगों के साथ तो ये इसकी भी एक 420 की FIR हो जाएगी लोगों से, अगर इसने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया यूनियन के नाम पे। अच्छा पहले कुछ लोग फोन करते थे मुझे, और मैं जब ये बात शर्मा जी को बोलता था ना, शर्मा जी काफी अगेंस्ट में है जस्टिस के बाद मदन लाल के, और वो खुद बोल रहे हैं चोर है, तो ये मेरे को उस टाइम कहते सुनील जी आप अब मदन लाल के बारे में कुछ मत बोलना प्लीज सार्वजनिक रूप से, मैं इसको समझा दूंगा और ये आगे से आपके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और ये ऐसी बातों की अगर आपको शिकायत मिले तो आप बता। लखनऊ जाने के बाद मैं भी शिकायत किया था मैंने, ये बात आपने कैसे कह दिया है, चौहान साहब भी थे वहाँ पे, मैंने बोला कि ये बात तुमने व्हाट्सएप पर कैसे डाली, देखे हो कैसे मीना जी के अच्छे इंसान के लिए शिकायत की, तो आपकी नजर में अच्छे होंगे, हमारे नजर में अच्छा नहीं है, हम ये अच्छा तुम्हें तो आप क्या करें, मैं तो सुना हूँ तुम्हें बाद में ये बात समझ चुकाऊंगा मैं कि अच्छे वो है कि अच्छे तू है। अरे सर देखो मैंने नोएडा में लॉयर किए हुए है ना, मैं आज हाई कोर्ट में, आज की तारीख आप देखो 27 तारीख है ना, एक सेकंड गुप्ता जी होल्ड करना, एक सेकंड अरे भाई विजय पाल जी 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 बिल्कुल होल्ड है। तो आज मैं हाई कोर्ट में हूँ, मैंने यहाँ भी लॉयर अपॉइंट किया है और रिट लगानी है, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करनी है, बाकी भी इनकी जो बेल एप्लीकेशन होंगी उनको भी खारिज करना है, और उसके लिए लगभग जितनी भी FIR में सब कलेक्ट करके लाया था यहाँ पे, और मैंने किसी उन FIR वालों से मैं कोई चार्ज वार्ज भी नहीं वसूलने वाला हूँ, मैं उन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम करूंगा, ठीक है। तो इस साले मदन लाल को ये सोचना चाहिए कि जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मिलजुल के दो चार लोग हैं जो हम अपनी तरफ से कॉन्ट्री करके और ये सारा पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और ये केस आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने आज तक कभी जनता को परेशान किया नहीं, ये मेरे बारे में कितनी झूठ बोलता था, कितनी अफवाहें फैलाता था, तो उस टाइम ही समझ में आ गया था मुझे कि जो इस तरह की बातें कर रहा है उसके मन में, उसकी नीयत में खोट जरूर है, तो वो कोर्ट एक दिन सामने आना था, और वो कोर्ट अब यूनियन के पदाधिकारी बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पहले शर्मा जी ने बोला अभी कल परसों मुझसे, आज आप बोल रहे हो, तो इसको तो कंट्रोल में करने के लिए आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ सर, हाँ। और बताइए, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अरे सर जान वान नहीं चाहिए किसी की, लेकिन आप लोग इसके साथ रहे हो यूनियन में, आप पदाधिकारी हो, आप लोगों को सब कुछ पता है, अगर आप ही अपनी जबान से बोल रहे हो तो इसका मतलब वो तो सीधा खारिज कर दिया, वो तो आज के डेट में खारिज कर दिया, फोन भी ना उठा रहा है, तो कोई हम तो निकाल रहे हैं, खारिज कर रहा हूँ, खारिज उसकी क्या औकात है कि मेरे को खारिज कर दे, हम तो पेपर में किस है मेरे पास है, तूने खारिज कैसे कर देगा जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जब तक वो खारिज इसलिए कर रहा है ना कि आप आवाज उठा रहे हो कि ये पैसा कहाँ इकट्ठा करके ले जा रहा है, तू वो इसलिए खारिज कर रहा है क्योंकि अब आप उसके बारे में बोलने लग गए हो ना कि भाई पैसा गया कहाँ, हिसाब मांगने लग गए हम। अच्छा तो एक बात बताइए, चंदा इकट्ठा किस लेता है भाई साहब, आप थोड़ा सा बता दीजिए, चंदा इसलिए तो होता है ना कि कहीं आप वो खर्चा किया जाए, दिखाया जाए, या मीडिया को कुछ दे के उछाला जाए कि ऐसे करो वैसे करो, इसलिए होता है ना। ये बात थोड़े दिन पहले राजेश पांचाल ने भी बोली थी कि इसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो राजेश पांचाल की माँ बहनों को गालियां देने लग गए, इसको शर्म नहीं आती, इसको लीगल नोटिस भेज दें,
इसको साढ़े को अरेस्ट करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये दिखावा करता है, ढोंग करता है कि मैं गरीब आदमी। बिल्कुल अरेस्ट कराइए, अरेस्ट नहीं अरेस्ट कराइए, अरेस्ट कराइए जी। हाँ बिल्कुल, मैं गवाह बनूंगा। और बोलिए, मैं आपातकालीन स्थिति में मैंने पैसा मांगा है, मेरे पैसा दिया नहीं मेरे को है। चिकोट गाँव में जो है कुछ लोग बार मर रहे हैं, जो है की 3 महीने से धरना चल रही है, लोग बार दूर दूर से महीना में 2-2 बार मीटिंग करा के देखो बना लेता है यहाँ पे। ये वो जो हर 15 दिन में मीटिंग करता है ना, इसका मेन उद्देश्य पैसे कलेक्ट करना ही है। इसी चक्कर में करता है, मेरे को समझ में आ गया, इसी चक्कर में करता है, बिजनेस बना लिया इसने। तो ठीक है, देखो मैं तो इसकी पोल खोल दूंगा, मेरे तो फर्क पड़ता नहीं आता। अब मीना जी, एक बीघा मेरे को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ और मैं आपके साथ में हूँ, ये बीड़ा मेरे को ऐसा उठा दीजिए कि मेरा नाम रह जाए कि गुप्ता जी ने फिक्स कर दिया भाई। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है कि नहीं, गुप्ता जी ने कुछ किया, शेर का काम किया, मेरे नाम हो जाए एकदम। और नाम तो सर देखो, ईमानदारी के लिए अगर खड़े हो गए ना तो लोगों को पता भी चल जाएगा। भाई साहब, एक बंधन के नीचे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अगर ईमानदार उसके साथ मिलकर रहना होता तो क्या फिर मैंने इसे कभी चल रही इतने आप कभी चला गए अच्छा सजा का गए चल मेरे को क्या दे रहा है बता रख दे और कब ले जा। लेकिन हमारे पास ईमानदारी कुछ है तभी तो मैं कह रहा हूँ मीना बाबू। नहीं सही बात, किसान से ले रहा हूँ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज पीड़ित परिवार के रूप में है, भूखे है, प्यासे है, क्या है, इसको थोड़ा सा भी शर्म आ रहा है क्या? वहाँ पर 150,000 रुपया दे दूँ अपने फंड से, आज मनोबल बढ़ेगा। इसमें एक और बात है, मैं हकीकत बताऊँ इसको, मेरे को पता है इसमें पुदीना नहीं है बिल्कुल भी इसमें, है ना? और ये मेरे को पता है इसमें दम नहीं है ज्यादा, कोई दमदार आदमी नहीं है। और ये जो मेरे बारे में बोला है ना, अगर मतलब ये तो मैं सोच रहा हूँ यार उस काफी दिन से कि लोगों के साथ कहीं मेरी ऐसी इमेज ना बन जाए कि वो लोगों के लिए मदन लाल लड़ रहा था और सुनील मीणा ने इसको फिट कर दिया, उठवा दिया या इसके खिलाफ कार्रवाई करवा दी। बस इस वजह से मैं शांत बैठा रहा कि इसने जिस तरह की बकवास मेरे बारे में की है ना, मैं कर तो दूं इसको सीधा। तो लेकिन सबसे बढ़िया है ना कि मेरी बजाय इसको लोग धुतकारें, पब्लिक पकड़ के पूछे इसके कॉलर को। सबसे अच्छा इलाज तो इसका वो होगा कि लोग धुतकारें इसको, पब्लिक पकड़ के पूछे इससे कि कहाँ है हमारा पैसा, कहाँ है हमारी FIR, कहाँ है हमारा इंसाफ। भाई सीबीआई जांच तो बैठने वाली है थोड़े बहुत दिनों में। मंत्रालय को दिया, आज कोर्ट का फार्म मैंने PMO हाउस को दिया, आज मैं 500 फार्म जो है सुधी EOW को दिया। झूठ मुक्ता भुआ कर देता है ना, मोहर मार मार के, वो घर में मोहर रखा हुआ है नकली, मोहर मार देता है, मोहर मार के और व्हाट्सएप पे डाल देता है इसमें। लो भाई ये भी करता है, समझ गए? अब मोहर का बेचने जा रहा है कि मोहर ओरिजिनल है नकली है, मोहर की चाहे जितने भी बनवा लो। नहीं अब इसके खिलाफ आप बोल रहे हो, कल से आपको भी गाली देने लग जाएगा हमारे साथ। गाली साला मेरे को गाली देगा तो उसको घर में जाकर टाइम के लिए आऊंगा मैं, बहन के नौरे के माधर को, भोसड़ी वाले के, रंडी वाले के, ये भी इसका पावर है मेरे को। तो ये मत सोचिए जो बिहारी है तो बिहारी बन जाएगा है। नहीं यहाँ बिहारी बंगाली की बात नहीं हो रही सर, यहाँ बात ये हो रही है कि आदमी कैसे परिवार से आया है, कैसे वो बोला भी था ना इस बिहारी में क्या कम है। मेरे को आवाज आई थी ना मेरे पास, मैं अभी चलो उसको जिस दिन होगा उस दिन औकात अपना दिखाऊंगा। तो आप तो यूनियन के महासचिव अभी हो या किसने हटा दिया आपको यूनियन से? देखिए अब तो मेरे को उसने क्या नाम है मदन लाल ने, ठीक है, मेरे को खारिज कर दिया है। लेकिन वो क्या नाम है इनका रविंद्र चौहान, वो अभी मेरे को हटा ही नहीं है सर। इनका भेद है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर इसके जूते भी पड़वा दूंगा ना इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदतन नकटा आदि मैं देख लिया। इसको पब्लिक जूते मारे ना, इसको पब्लिक जूते मारे ना जिनसे इसने पैसा लिया है, तब इसको पता चलेगा कि पब्लिक का पैसा खाने का जो अंजाम है वो क्या होता है। भाटी तो चलो जेल में है लेकिन ये तो सड़क पर है ना, ऐसा ना हो कि भाटी का गुस्सा इसी पे उतार दे पूरी पब्लिक है।
इसकी पो, अगर आप कहते हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं। हाँ ये दूसरा भाटी हो गया, छोटा चोर है, इसकी इतनी औकात है, छोटा चोर है ये, दूसरा भाटी हो गया, छोटा चोर है, बड़ा चोर नहीं है, छोटी चोरी कर रहा है। समझ गए भाई साहब, जो 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 ना देखा गोठौ लो देखा कल। एक हमारे गांव में कहावत है भोजपुरी में है, जो ना देखा गोठौ लो देखा गोठौ, जिसको खाने का ठीक नहीं है उसके पास 10-20 लाख रुपए आ जाए तो मतलब आप इसको क्या समझते हैं। बस अब वो अपने आप भगवान समझने लग गया और क्या। और ये मेरे को लगता है इनकी मिली जुली हुआ है, दो चार लोगों ने इन्होंने आपस में बैठ कर है ना ये किया होगा प्लान की हमें इस तरह से कमाई कर जाते हैं। बस जब से ये आए आपके महीने में 2-2 बार इतना मीटिंग करके और बुलवा लेता है सब कुछ। तो पब्लिक है बेवकूफ है तो अब क्या करें। तारीक, वो राजेश पांचाल ने इसको सही रीड किया था उस टाइम, मेरी और पांचाल की बनती नहीं थी बिल्कुल भी। 1 तारीख को आपातकालीन मीटिंग रखा है इसमें, और इसमें तरफ भी आए भी कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा इसमें है, लेकिन मैं तो जोर जबरदस्ती जाऊंगा मैं और सारे रिकॉर्डिंग करूंगा मैं। हाँ ठीक है करना। वैसे भी राजेश पांचाल और मेरी भी कोई बनती नहीं थी, लेकिन सच बात यह है कि राजेश पांचाल ने जब इसके बारे में बोला ना और इसने राजेश पांचाल को गाली दी, तब उस टाइम मेरे को समझ में आ रहा था कि पांचाल यहाँ गलत नहीं है और ये साला जबरदस्ती मतलब पांचाल को नीचा दिखाना चाहता है। वो भी लोगों से पैसे वैसे नहीं लेता था, जो उससे हेल्प हो जाती थी वो करता था ठीक है, लेकिन इस तरह से ये उन सभी लोगों को जो लोगों की हेल्प कर रहे थे ना उन सबको नीचा दिखाने लग गया ना, वहां पे पता चल गया कि ये किसी का साथ मांग नहीं रहा है ना ही किसी का साथ देगा, ये अपनी दुकान चलाने के लिए बाकी सब लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं ना उनको छोड़ के मेरे पास आओ, मुझे पैसे दो और बस फिर, क्यों ये नीचता की हद तक आ गया। खैर छोड़ो क्या करें अब। अच्छा देखेंगे पब्लिक कर देगी, कैन साहब अपने आप करेगी, अगर पब्लिक में अवेयरनेस है ना तो इसका इंसाफ अपने आप पब्लिक ही करेगी, लोग करेंगे इसका इंसाफ। तो पब्लिक क्या करेगी अपना मोटा अभी जब तक हजार उसकी चल रही है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने चला के आपका रफ्ती चक्कर हो जाएगा। हाँ वो करना इसको यही है ये ठगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ है ये ठग, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है इसके साथ, अब पब्लिक देखेंगे आगे क्या होता है, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो एक FIR इसके नाम भी करवा देंगे। उसके बाद अगर आप, लेकिन आप अगर पीछे हट गए तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप अगर पीछे हट गए ना तो कोई फायदा नहीं है, आप साथ रहे तो ही वो FIR काम करी, भाई कोई होना तो चाहिए कंप्लेंट करने वाला। बात बताएं अब क्या करें, हनुमान जी से होने के लिए काफी फार के दिखाऊं समझ गए ना, लेकिन ये मार्केट चलना नहीं चाहिए, FIR आप करवा दीजिए, मैं पीछे ना आऊंगा और बोलिए, प्राण जाए पर बचन न जाए, और बताइए। ठीक है बाकी पब्लिक में तो ये न्यूज डालनी पड़ेगी, खुद यूनियन के जो लोग हैं वो अब इसके बारे में बोलने लग गए हैं, तो थोड़ा सोच लो समझ लो है ना किसके पीछे चल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कल को फिर रोने लग जाओ आप लोग की फिर लुट गए हम तो, कल को ऐसा ना हो पब्लिक फिर रोने लग जाए कि एक ने तो पहले लूटा था दूसरे ने इंसाफ दिलाने के नाम पे फिर लूट लिया। यही तो बात कह रहा हूँ ना कि इसको किसी भी तरीके से, अब मेरे को तो उतना मोबाइल चलाने आता नहीं है, है नहीं तो मैं तो पूरा हैंडराइटिंग भी तो भेज दूँ कि जो है जो कि इंसाफ लेने के और मांगने के चक्कर में इन्होंने विरोध करके मेरे को निकाल दिया, कृपया करके कोई इसमें पैसे जमा न करे ना फॉर्म जमा करे, हिसाब तो पब्लिक को लेना चाहिए इससे साले से। चलो ठीक है आपको तो निकाल दिया इसमें गुपचुप में, लेकिन जब पूरी पब्लिक इससे हिसाब मांगेगी तब कहाँ जाएगा ये बात के। चलो ठीक है गुप्ता जी है ना देखते हैं है ना, बाकी इसके बारे में पब्लिक को बताना होगा, मतलब एक बार सोच समझ के मेरे को 2-4 दिन के बाद मैं फोन करूंगा और इसको थोड़ा सा वो बनाइए तरफ से मैसेज भेजिए। अरे भाई मैं तो पूरी कोशिश करता ही हूँ, अब आप एक बात बताओ सिद्धार्थ इसको उठाकर हाथरस लेकर गया ही है, दिल्ली पुलिस ने तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की ना, और उसको ठोकेगा और रिमांड पे लेके मारेगा इसको पार्टी को, और बाकी मैं खुद यहाँ हाईकोर्ट हूँ आज 27 तारीख है, और इससे पहले नोएडा में लॉयर वॉयर सब कर रखा है, इनकी बेल वेल की एप्लीकेशन हम खारिज ही करवाएंगे, होने नहीं देंगे इनकी बेल, इससे ज्यादा पब्लिक के लिए क्या करें यार, अपना पैसा लगा रहे हैं खुद, किसी से मांगते हम है नहीं ठीक है, हम 2-4 लोगों ने अपना कर रखा है और हम ढंग से चल रहे हैं।
अब हमें कुछ नहीं चाहिए पब्लिक से, मांगा भी नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ठगों से दूर रहे, ये साले किसी काम के नहीं है मदनलाल जैसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है गुप्ता जी, है ना, करते हैं इसका कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है, इसके विषय में जरा सोचिए, विचार करिए। बिल्कुल।